हालेलुया हालेलुया नाश्ता किया है हालेलुया 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 का मतलब है खुदा की हम्द हो और हम सब यहाँ जमा हैं खुदा के नाम को तज़ीम देने के लिए। आज सुबह जो बात खुदा ने मेरे दिल में डाली है वो ये है नया काम कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में कैसे नए काम कर सकता है। हम यसाया की किताब में चलेंगे और उसके 43वें बाब को अपनी सलाह के लिए खोलेंगे और उसकी 19वीं आयत को देखेंगे। कोई भाई या बहन जिसने निकाल लिया जल्दी से इसको पढ़ने में रहनुमाई करे। देखो मैं एक नया काम क्या लिखा जी, अभी बाइबल की तरफ ना देखें मेरी तरफ देखें, क्या लिखा है? देखो मैं एक नया काम करूंगा। आगे अब वो जहूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में एक रा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा का कलाम यहां बड़ी खूबसूरत बात खुदा के कलाम में ये लिखी हुई है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो हमारी जिंदगियों में क्या कोई नया काम है? अगर हमने जब पानी का बपतिस्मा लिया, जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, उसके बाद क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई नए काम नज़र आते हैं? हमें अपनी ज़िंदगी को चेक करने की ज़रूरत है। और खुदा क्या कहता है, देखो मैं एक नया काम करूँगा। और जब इसकी मैं 18वीं आयत को पढ़ रहा था तो वह लिखा है, यानी खुदा यूँ फरमाता है, पिछली बातों को याद ना कर। अपने पास के बारे में आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अपने पास के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपके माजी के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं। 2019 में आपने जो भी किया उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। 2019 में आपकी कैसी भी ज़िंदगी रही उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आपको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं आपकी ज़िंदगी में एक नया काम करूँगा। वो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने को है और कहता है, क्या तू इससे नावाकिफ रहेगा? बहुत दफा हमारी जिंदगी नए काम से नावाकिफ रहती है, और जब हम नए काम से या नई बात से नावाकिफ रहेंगे तो उस बात का हमें पता नहीं चलेगा, बल्कि वो बात आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी से खत्म होती जाएगी। थोड़े दिन पहले भाई पास्टर इरफान ने बहुत ज़बरदस्त मैसेज डिलीवर किया इसी के ऊपर। ये जो 2020 है ये इवेंजलिज्म का साल है। 2020 में हमने बहुत सारी रूहों के पास जाना है। 2020 में हमने बहुत सारे लोगों को इस नए काम के बारे में बताना है। 2020 के इस साल में हमने बहुत सारे लोगों को कलाम शेयर करना है। और क्या हम घर में बैठे नावाकिफ और खुदा की हुज़ूरी में ना आकर और खुदा के लोगों के साथ ना रहकर हम नावाकिफ रह जाते हैं? हमें बहुत सारी बातों का पता ही नहीं होता। और क्या लिखा है, हाँ बड़ी अजीब सी यूनिक सी बात है, हाँ मैं बियाबान में रा और सहरा में नदियाँ। आप तस्वीर कर सकते हैं? और अगर कोई शख्स सहरा में जा रहा हो और चल चल के जब थक जाए तो फिर सहरा में उसको हर तरफ क्या नज़र आता है? पानी ही पानी नज़र आता है। ये लेकिन उसकी नज़रों का धोखा है, लेकिन मेरा और आपका खुदा आपके लिए सहरा में नदियां जारी कर सकता है। मेरा और आपका खुदा आपके लिए नई राह बनाएगा। मेरा और आपका खुदा बहरे कुलज़म के दो हिस्से कर सकता है। मेरा और आपका खुदा बहरे कुलज़म को खुश कर सकता है। वो आपकी ज़िंदगियों के लिए आज सुबह नया काम करेगा। हम क्या करते हैं, हम कलाम को सुनते तो हैं लेकिन खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। हम कलाम को सुनते तो हैं, हम रवायती मसीही हो गए हैं, हम सिर्फ
अपना ही सोचते हैं और इसलिए हमारे लिए नया काम नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे बिलीवर जो हैं, बहुत सारे मसीही जो हैं, वो सालों साल से चर्च आ रहे हैं लेकिन नया काम कोई नज़र नहीं आ रहा उनकी ज़िंदगी में। वो जैसे 2019 में थे वैसे 18 में थे, वैसे 17 में थे, वैसे 16 में थे, वैसे ही 15 में थे और 2020 में भी उनकी ज़िंदगी वैसी ही है। वो इन सारे सालों के अंदर वो और उनका घराना चर्च आ रहा था लेकिन उनका पड़ोसी चर्च नहीं जा रहा, उनके आस पड़ोस के इर्द गिर्द के रिलेटिव्स चर्च नहीं जा रहे, लेकिन उनको इसके ऊपर कोई फिक्र नहीं। मेरा और आपका खुदा आपके लिए नया काम करना चाहता है। मेरा और आपका खुदा आपकी ज़िंदगी को ज़बरदस्त बनाना चाहता है। और जब हम दानियल की किताब में जाते हैं उसके छठे बाब को देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है। एक शेर कितने दिनों से भूखा है, वो शेर कितने दिनों से भूखे हैं और उस शेरों की मान में जब दानियल को डाला जाता है वो उसको खाते नहीं। कैसी फितरत के अगेंस्ट बात है। उनकी खुराक उनके सामने पड़ी हुई है, खुराक उनके सामने है लेकिन खुराक की तरफ वो जाते नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका खुदा नया काम करता है। मेरा और आपका खुदा फितरत के अगेंस्ट काम करता है। मेरा और आपका खुदा जो शेरों का बनाने वाला खुदा है उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि खुदा इस बादशाह को बताना चाहता था कि वो नया काम कर सकता है। क्योंकि बादशाह और वो सारे लोग जो सारी वो जो क्या कहना चाहिए कम्युनिटी जो थी, जो नाज़म थे, जो और वुज़रा थे, जो सारे दानियल के अगेंस्ट हो चुके थे, जो नहीं चाहते थे। दानियल को डे बाय डे खुदा बरकत देता जा रहा था, उसकी इस बरकत से वो हसद करते थे, उससे जेलसी फील करते थे और वो चाहते थे किसी ना किसी तरह इस दानियल को फंसाया जाए और इसको इसके मनसब से हटा दिया जाए। उन्होंने इसके लिए जाल बनाया लेकिन जैसे ही बादशाह का ऑर्डर आया कि जी 3 दिन के लिए बादशाह की वर्शिप की जाए तो दानियल ने क्या किया? डर गया, कांपने लगा और उसने जाके बादशाह की वर्शिप कर दी। हाँ जी, क्या किया? बल्कि अपने जिंदा खुदा को अपनी सुबह सवेरे खिड़की खोल के यरूशलेम की तरफ मुंह करके क्या करता रहा? दुआ करता रहा। अभी तो हमें यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलने की, मुंह करने की भी जरूरत नहीं बल्कि हमें खुदा की हुजूरी में आने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं, हाजिर हूं। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? अपने ही वक्त में, अपने ही कामों में, अपने ही और बहुत सारे मसलों में फंसे होते हैं और हमने कभी अपनी खिड़की खुदा के लिए नहीं खोली। हमने कभी भी अपना फोकस, अपना ध्यान खुदा के ऊपर नहीं लगाया। मेरे जो नया काम तब होगा जब आपका ध्यान खुदा के ऊपर होगा। नया काम तब होगा जब आप अपनी खिड़की खुदा के लिए खोलेंगे। नया काम तब होगा जब आप दुआ खुदा की हुजूरी में करेंगे। नया काम तब होगा जब आप रोज़ा खुदा की हुजूरी में रखेंगे। नया काम तब होगा जब आप उसकी हुजूरी में गिड़गिड़ाएंगे, मांगेंगे, उसकी हुजूरी में आएंगे तो आपके लिए खुदा नया काम कर देगा। वो आपके लिए उन सारे बैरियर्स को, वो आपके लिए उन सारी हर्डल्स को, वो आपके लिए सारी बंद खिड़कियों को आपके लिए यीशु के नाम से खुल जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में नया काम हो जाएगा। हमारा क्या है? हमारी ज़िंदगी में नए काम इसलिए नहीं होते, हम पिछली बातों को याद करते हैं, हम कदीम बातों पर सोचते रहते हैं। हमें पुरानी बातों को सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने पास के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं बल्कि हमें यीशु मसीह के ऊपर देखने की ज़रूरत है। और जब यीशु को देखेंगे तो यीशु आपकी ज़िंदगी में नया काम कर देगा। दानियल ने यह नहीं सोचा कि बादशाह मेरे साथ क्या करेगा बल्कि उसने ये सोचा कि खुदा मेरे लिए नया काम करेगा और खुदा ने उसके लिए नया काम कर दिया।
और मैं जब इस हवाले को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था इसने सदिक मेसिक अब्दुन्नजू के बारे में भी सुना होगा बादशाह ने कि जब उनको आग की भट्टी में डाला गया था तो तब भी खुदा आ गया था। और जब इस हवाले को मैं पढ़ रहा था तो बादशाह शाम तक उसने अपने इस काम करने को रोका, वो नहीं चाहता था कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाए, लेकिन जो उनका कानून था वो चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन उसका कानून चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन खुदा ने उसके लिए सब कुछ चेंज कर दिया। खुदा आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन कर देगा, खुदा आपके लिए नए नए काम करेगा। कब? जब हम पिछली बातों को याद करेंगे, हाँ जी, अपने पास्ट को याद रखेंगे, अपने पास्ट में रहेंगे, माजी में रहेंगे। हमें माजी में रहने की ज़रूरत नहीं बल्कि हाल में आने की ज़रूरत है। जब हम मुस्तकबिल में आ जाएंगे, हाल में आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी यकसर तौर पर बदल जाएगी। आज भी बहुत सारी बातें हम कहते हैं हमारे फोर फादर्स, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, हम भी ऐसा करेंगे, हम अपने फोर फादर्स को कॉपी करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने किसी बात में किसी को भी कॉपी करना है, अगर आपने किसी को चेक करना है, तो उसको खुदा के कलाम से चेक किया करें। ये वो कसौटी है जिस पे आप उसको चेक करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक नया काम हो जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी यकसर तौर पर बदल जाएगी। चाहे फिर आपको आग की भट्टी में भी डाला जाए तो वहाँ से भी आकर आपका खुदा बचा लेगा। आपका खुदा बाय से बरकत खुदा है, ये इतना अजीम खुदा है। इसको मैं जब इस बात पे मैं सोच रहा था, देखो मैं एक नया काम करूँगा, तो जब देखते हैं मिस्र में एक साइड पे अंधेरा है और उसी साइड दूसरी साइड पे एक इलाका है जशन का, वहाँ रोशनी है। हाउ टू पॉसिबल, एक ही जगह है और वहाँ अंधेरा भी है और वहाँ रोशनी भी है, कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा कर सकता है। एक तरफ टिड्डियाँ फसल तबाह करती जा रही हैं और एक तरफ फसल बची हुई है, कैसे? ये मेरा और आपका खुदा कर सकता है। ये नया काम था, मिस्रियों को खुदा सरप्राइज देना चाहता था। एक तरफ पलौठे मर जाते हैं और दूसरी तरफ पलौठे बचे रहते हैं, हाउ टू पॉसिबल? एक ही मुल्क है, एक ही उनका क्या कहना चाहिए आसमान है, और उस आसमान के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन खुदा उनको बताना चाह रहा था कि मैं नया काम करूंगा और वो तो मौत में चले जाएंगे, लेकिन तुम ज़िंदगी में आ जाओगे। और जब हम यीशु को देखते हैं तो यीशु की ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी बाई से बरकत है। और जब हम दानियल को देखते हैं, दानियल की ज़िंदगी से भी हमें ये सबक मिलता है, इस बात को हम सीखते हैं कि हमने खिड़की कहाँ खोलनी है जी? यरूशलेम की तरफ, यीशु की तरफ, खुदा की तरफ, आसमान की तरफ। जब हम निगाह लगाएंगे तो तभी खुदा हमारे लिए नया काम करेगा। अगर हमारी नज़रें कहाँ हों, हमारा ध्यान कहाँ हो, हमारा फोकस इधर उधर हो, अपने रिलेटिव्स के ऊपर हो, रिलेटिव्स की बातों पर हो, फोर फादर की बातों पर हो, तो खुदा कभी भी नया काम नहीं करेगा। क्योंकि 18वीं आयत में क्या लिखा है, पिछली बातों को याद ना कर। और जैसे ही 19वीं आयत शुरू होती है तो क्या लिखा है, देखो मैं नया काम करूँगा। ही वॉन्ट टू डू न्यू वर्क फॉर योर सेल्फ, वो चाहता है, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? हाँ जी, आर यू रेडी? चर्च कह जाने हैं लेकिन चर्चों बाहर निकलते सार यो ही गल हो जाती है, क्या खुदा की हुजूरी यहीं पे है, इस बिल्डिंग के अंदर है? हाँ जी जी, मैं आपके अलावा भी सुनना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है तुम जिंदा खुदा के मकदस हो। ये चर्च एक बिल्डिंग है और उसका लिविंग चर्च जो है वो आप हैं। और लिविंग चर्च क्या करता है, जैसे ही यहां से बाहर निकलता है क्या होता है, सारी हुजूरी, सारी अनॉइंटिंग सिर्फ यहीं पे है।
हम अगर यहाँ बहुत जोर के साथ वर्शिप करते हैं, लोग झूम रहे होते हैं और होली स्पिरिट को फील कर रहे होते हैं, और जैसे ही दो घंटे की सर्विस ख़त्म होती है, जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं, होली स्पिरिट ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? यही बात है, यही वजह है कि हम खुदा की हुजूरी को सिर्फ चर्च में महसूस करते हैं। वो आपके लिए नया काम करना चाहता है। नया काम यह है कि आप घर में हो या घर से बाहर हो, आप खेत में हो या जहां कहीं भी हो, खेत से मुराद आपकी जॉब है, आप वहां भी हो, खुदा की हुजूरी वहां भी मौजूद है। और जब आप हर जगह खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे, खुदा को अपने साथ साथ महसूस करेंगे, तो वो तब आपके लिए नया काम करेगा। हम खुदा की हुजूरी को महसूस ही नहीं करते, हम बस ये सोचते हैं कि खुदा की हुजूरी यहीं पे है। और जब डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया, वहाँ उसको आके किसने बचाया? डैनियल वहाँ चर्च में था? हाँ जी, कहाँ था? शेरों की मांद में, और वहाँ खुदा ने आके नया काम किया। सो खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा की हर जगह मौजूदगी है, इसलिए आप खुदा को हर जगह, जहाँ भी आप हों, आप काम पे हों, आप काम कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप खुदा की हुजूरी को मांग सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, और फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में नया काम करेगा। और डैनियल अपनी खिड़की खोल के इस हुक्म के बाद भी दिन में 3 दफ़ा दुआ करता रहा। हम दिन में रोटी कितनी दफ़ा खाते हैं जी? हाँ जी, सोच लो, कुछ लोग 4 या 5 दफ़ा भी खा जाते हैं। हाँ जी, दाल लग जाए, और अगर ऐ दा असी दुआ ली लगाइए, असी 3 दफ़ा दी बजाय 4 दफ़ा दुआ करनी शुरू कर दिए, तो क्या होगा? खुदा हमारी ज़िंदगियों के लिए काम करना शुरू कर देगा। हम हर काम में दा लगा देते हैं, दुआ च भी दाल आया हुआ है, हम दुआ भी नहीं करते। सो डैनियल के लिए नया काम किस लिए हुआ? हाँ जी, इसकी ज़िंदगी का मेन क्या कहना है, सबक हमें क्या इसकी ज़िंदगी से मिलता है? दुआ। और जब आप दुआ करते रहेंगे, तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए नया काम करेगा। चाहे आपकी ज़िंदगी में बीमारी है, चाहे आपकी ज़िंदगी में तंग दस्ती है, चाहे आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है, परेशानी है, आपकी ज़िंदगी में नया काम शुरू होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको किसी पास्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदा आपकी ज़िंदगी के लिए बाई से बरकत बन जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने इस दौर के मसीहियों ने क्या किया है, अपनी सारी नज़रें खुदा से हटाकर किन के ऊपर लगा दी हैं? पास्टर्स के ऊपर। फलाने पादरी को जाके दुआ करावांगा, उतो दुआ करावांगा। आप पास्टर बदल लें, आप चर्च बदल लें, जो बरकत आपको खुदा दुआ करने से देगा, वो कभी भी किसी नए पास्टर के पास जाने से नहीं मिलेगी, नए चर्च में जाने से भी नहीं मिलेगी। आपको बरकत एक ही मंबा, एक ही नाम है वो दे सकता है, उसका नाम यीशु नाम है, और उसके लिए आपको खिड़की खोलनी पड़ेगी। हाँ जी, खिड़की बंद रखोगे कि खोलोगे? चर्च बंदे अक्सर सुते होंगे ने। हाँ जी, मेल हजरात, एल्डर बूटा साहब खिड़की खोलेंगे, और जब आप खिड़की खोलेंगे, आप जब दुआ करेंगे, तो फिर खुदा आपके लिए नया काम करेगा। और फिर चाहे आपको आग की भट्टी में भी डाल दिया जाए, खुदा आकर वहाँ से भी आपको बचा लेगा। और जब मैं इसमें एक और हवाले को देख रहा था, यरू की दीवार के बारे में पढ़ रहा था, तो यरू की दीवार का भी एक ज़बरदस्त वाक्या है। ये दीवार जो है 30 फुट जो है लंबी बुलंद है, और 20 फुट इसकी चौड़ाई है, यानी कि बहुत बड़ी। और ये शहर तकरीबन कोई 8 एकड़ पर मुहित था। 8 एकड़ का शहर है, और इसकी 30 फुट लंबी दीवार इसके इर्द गिर्द लगी हुई है, और इसकी जो मोटाई है वो 20 फुट है। एक ज़बरदस्त यानी कि इन्होंने एक मज़बूत शहर बनाया हुआ है। और इनका बिलीव ये था
जो कनान का देवता है वो हमें बचाने में और छुड़ाने में हर मुश्किल से बचाने में कवि और कादर है। और इस सॉर्ट को लेकर इन्होंने ये दीवार बनाई हुई है और उस दौर की सारी जो कौमें थी उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक यरू को कोई भी फतह नहीं कर सका था क्योंकि उनका जो उनकी जो दीवार थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और उनकी जो उनका जो अकीदा था वो अपने अकीदे में भी बड़े परमानेंट थे। और आज भी बहुत सारे अगर देखा जाए जो अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अकीदे में बड़े स्ट्रांग होते हैं और क्रिश्चियंस जो होते हैं ये अपने अकीदे में बड़े लूज होते हैं। ये इनके क्या कहना चाहिए, क्रिश्चियंस पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब जो हैं क्रिश्चियन लचकदार क्रिश्चियन हो गए हैं। और जब खुदा ने इसको यशवा को हुक्म दिया कि तूने इसको फतह करना है और वो फतह के लिए गया और उसने 7 चक्कर लगाए और यरू की दीवार क्या हो गई जी, घिर गई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और जब 7वें दिन इन्होंने चक्कर लगाए और जब नारे लगाए तो क्या हुआ, दीवार गिर गई। और दीवार देखें 30 फुट बुलंद है, 20 फुट इसकी मोटाई है, इतनी मोटी दीवार, इतनी लंबी दीवार और कैसे गिर गई जी, खुदावन से। ये भी एक नया काम हुआ, उस दौर के लोगों के लिए ये नया काम था और खुदा इस दौर के लोगों के लिए भी नया काम कर सकता है। और खुदा आपकी ज़िंदगी को में भी ज़बरदस्त काम कर सकता है, खुदा आपकी ज़िंदगी को लानत से बरकत में बदल सकता है, खुदा आपकी ज़िंदगी को गुनाह से रास्तबाजी में ला सकता है, आपकी ज़िंदगी अगर जहन्नमी है तो वो आपको फरदोस का हकदार बना सकता है, अगर आपकी ज़िंदगी पुरानी है तो वो नई ज़िंदगी बना सकता है, वो बैरे कुलज़म के 2 हिस्से कर सकता है, वो आपके लिए भी बड़े बड़े काम कर सकता है। हमने करना क्या है, दुआ करनी है और जब आप दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में नए काम करने शुरू कर देगा। और आज क्या है, हम नए काम की तरफ देखते नहीं, हम ध्यान नहीं देते। और यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखें तो यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए नए काम कर दिए। जब रोमन गवर्नमेंट के उस सिपाही को यीशु ज़िंदा करते हैं तो उनके लिए एक नया काम होता है। और तारीख ये बताती है कि जब वो शख्स ज़िंदा होता है तो उन दिनों में सारे लोगों के ऊपर दहशत छा गई। क्यों? क्योंकि नया काम हुआ था, उसकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन नहीं थे, सारे ऑर्गन्स निकाल चुके थे, उसको प्रिजर्व करने के लिए लेकर जा रहे थे और उसके अंदर सारे स्पेयर पार्ट्स यीशु ने दुआ करने से डाल दिए। अगर आपके भी कोई स्पेयर पार्ट्स ख़राब हैं, अगर आपके आपका दिल का मसला है, अगर आपको कोई गलत इल्लत लगी हुई है तो ये सब कुछ खुदावन यीशु के नाम से हो जाएगा। वो उसके पास नया स्टमक है, उसके पास नया हार्ट है, उसके पास नया लीवर है और उसके पास नए घुटने हैं और वो सब कुछ हो सकता है। कब होगा? जब हम उसके हुजूर दुआ करेंगे और डैनियल की तरह अपनी खिड़की खुदा की तरफ खोलेंगे तो खुदा आपके लिए नए काम करना शुरू कर देगा। फिर आपकी ज़िंदगी में से उन सारी बातों को निकालने की ज़रूरत है और जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो खुदा आपके लिए बड़े काम करेगा। आंखें बंद कर लें, हमने दुआ करनी है।